जय महाकाल गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सारे बड़े होंगे एंड गाइस होने भी चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। सो गाइस, आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश से और हमारे शिव जी के दर्शन करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी जो है ना सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में शिव जी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसके लिए हम आए हुए हैं सीहोर हमारे शिव जी के मंदिर में। अभी जो है ना हम रूम में हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हो, और रूम का हालत कुछ ऐसा है, पूरा फैला हुआ है। ये टी शर्ट बताना गाइस कैसा लग रहा है, और हमने नीचे पहना है जीन्स। और ये हमारा जो है साइन है गाइस असम वालों का, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। सो निकलते हैं यहाँ से फटाफट और दिखाते हैं, दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। सो जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। जय महाकाल गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो गाइस चेक इट आउट, ये है हमारा सेओर और वहाँ पे विष्णु जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा है। और इतनी ज़्यादा बरसात में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ पे, कि आप देख सकते हो बरसात बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, फिर भी दर्शन करने के लिए इतने सारे जो है लोग यहाँ पे मौजूद है। और देख रहे हो छाता ओढ़ के, रेनकोट ओढ़ के, झिल्ली पन्नी लगा के जा रहे हैं सारे। और वहाँ पे ना गौशाला है, गौशाला के बाजू में सीट लगा हुआ है, उसके नीचे जो है ना सारे मतलब जितने लोग दर्शन करने आए हुए हैं वो रुके हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो सारे छाता वगैरह लेके, इतने बारिश में भी इतना ज़्यादा भीड़ है ना गाइस लिटरली। और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह भी एकदम जाम लगी हुई है, देख रहे हो यहाँ से लेके वहाँ तक। और गाइस हम जिस होटल में रुके हैं ना, वहाँ से पूरा प्रॉपर व्यू दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग बन रहा है। थोड़ा बारिश कम होने का वेट करते हैं, फिर हम लोग भी निकलते हैं मंदिर की ओर, पूरा दर्शन करेंगे और आप लोग को भी दर्शन करवाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे बरसात के कारण हमें जो है ना छाता लेना पड़ गया है। ये देखो गाइस छाता, और यहाँ पे छोटा सा तालाब है, ये जा रहे हैं खाली पैर रुद्राक्ष लेने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है भाई, आई डोंट नो कब तक हमें रुद्राक्ष मिलेगा यहाँ पे। सो गाइस अभी जो है ना हम फिर से आ चुके हैं हमारे भगवान जी के मंदिर में। यहाँ पे जो है ना भाई ऑडियो वगैरह चल रहा था, उसके कारण जो है हम शूट वगैरह नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली हमारे फ़ोन का बैटरी डेड हो गया था, तो उसके बाद मैं रूम जाके बैटरी चार्ज वगैरह करके फिर से आ गया मंदिर एक्सप्लोर करने, आप सबको यहाँ का पूरा व्यू दिखाने के लिए। बहुत सुंदर व्यू है गाइस, 2 घंटे बाद आ रहा हूँ, उसके बाद भी और ज़्यादा भीड़ बढ़ते जा रही है। यहाँ पे भीड़ की कम हो ही नहीं रही है, भीड़ बढ़ते ही जा रही है। सो गाइस यहाँ पे मंदिर चेक करो भाई, अभी इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे भगवान जी का जो है ना नया सा मंदिर बन रहा है, और वहाँ पे शिवलिंग है। मतलब अच्छे से शूट नहीं कर पा रहा गाइस, बिकॉज यहाँ पे भजन वगैरह चल रहा है और हमारे वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। सो दैट्स व्हाई थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स डालेंगे। ये देखो गाइस, ये चेक करो गाइस, ये पूरा पूजा हुआ है और यहाँ पे सारे मन्नत मांग के अपने अपने नारियल को बांधे। और ये देखो हिमालय का पत्थर। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, देख रहे हो छाता लेके घूमना पड़ रहा है, बारिश हो रही है। वैसे भी भीग गया हूँ रुद्राक्ष लेते वक्त, तो जैसे कि आपने अभी देखा रुद्राक्ष लेते समय बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो गया था, और पैर वैर में गाइस मेरे को चोट लग गई है। फर्स्ट टाइम मुझे देखने को मिल रहा है, देख रहे हो। So guys,
यहाँ पे जो है ना हमें बहुत ही प्यारा प्रसाद मिला है, चेक इट आउट। हमें जो है ना रुद्राक्ष मिला है और हम जो है ना इसी को यहाँ पे लेने के लिए आए थे। ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और इससे ना सारी संकटें दूर हो जाती है। ये ना भोले बाबा का एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसका जो है पार्ट टू आने वाला है जिसमें हम जाने वाले हैं उज्जैन। उसमें उज्जैन के जो हमारे भगवान जी हैं उनके दर्शन करवाएंगे, सारा कुछ मंदिर एक्सप्लोर करेंगे। तो उस व्लॉग को बिल्कुल देखना, इस व्लॉग के एक दिन बाद वो व्लॉग ज़रूर से आ जाएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय महाकाल।